डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है आज एक ऐसे शायर का जिसने अपने खून जिगर से अदब के चराग रोशन किए। जी हां, ये नाम है नरेश कुमार शाद का। आज के इस एपिसोड में हम नरेश कुमार शाद के हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। तकसीम हिंद के बाद बर्रे सगीर में उर्दू अदब के परचम को लहराने वालों में नरेश कुमार शाद का नाम अजमत और मोहब्बत से लिया जाता रहेगा। नरेश कुमार शाद पैदाइशी शायर थे, उनके वालिद एक मारूफ शायर थे और जिस वक्त उन्होंने आंखें खोली उस वक्त मुल्क में उर्दू का बोलबाला था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू में हासिल की। उसके बाद मैट्रिक में उर्दू और फारसी में पूरे ज़िले में टॉप किया और फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी से वाबस्ता हो गए। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। शाद होकर मलूल हैं हम लोग, क्या खिलाफे उसूल हैं हम लोग, जिन पे कांटे भी रहम खाते हैं, ऐसे खुशबख्त फूल हैं हम लोग। नरेश कुमार शाद का जन्म 11 दिसंबर 1927 को पंजाब के ज़िला होशियारपुर की टांडा तहसील के गांव अहियापुर में हुआ। उनके पिता नौहरिया राम, जिन्हें दर्द नकोदरी के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू अदब के मुसन्निफ हुए, शायर हुए और सहाफ़ी भी वो हुए। और कहा जाता है कि नकोदर ज़िले में उस वक्त उस्ताद दाग दहलवी के शागिर्द जोश मलसियानी साहब की सरपरस्ती इस परिवार को हासिल थी। ये भी कहा जाता है कि दर्द नकोदरी, जो कि शाद साहब के वालिद थे, उनके उस्ताद भी जोश मलसियानी साहब हुए और शाद नकोदरी, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में शाद नकोदरी के नाम से लिखा, बाद में वो नरेश कुमार शाद तखल्लुस के साथ लिखने लगे, उनके उस्ताद होने का शर्फ भी जोश मलसियानी साहब को हासिल है। नकोदर उनका शहर रहा, लेकिन देखा जाए तो आज़ादी से पहले जो पूरा हिंदुस्तान था, या मैं साफ तौर पे कहूँ तो जो नॉर्थ इंडिया था, वहाँ के तमाम शहरों से आपकी वाबस्तगी रही। आप मुलाजमत के सिलसिले में रावलपिंडी रहे, वहाँ से तबादला होने के बाद आप सरकारी मुलाजिम के तौर पर जालंधर में आए, लेकिन बहुत जल्दी आपने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद लाहौर आप आ गए और लाहौर की एक मैगज़ीन, एक रिसाले में आपने काम करना शुरू कर दिया। फिर इस दुनिया से उम्मीद वफ़ा है, फिर इस दुनिया से उम्मीद वफ़ा है, तुझको ऐ ज़िंदगी क्या हो गया है। जब ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जहतें समझाते हुए नरेश कुमार शाद शेर कहते हैं तो इस तरीके के शेर उनके यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पर सुनते हैं जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए धुनों से सजाया है। आइए महजूज़ होते हैं। इस दुनिया से उम्मीद
में जिंदगी में कोई देखे तो बस में जिंदगी में कोई देखे तो बस में जिंदगी में उजालों ने अंधेरा कर दिया है उजालों ने अंधेरा कर दिया है तुझे ए जिंदगी क्या हो गया है क्या हो गया है फिर इस दुनिया से उम्मीद वफा है अल्लाह रे बेखुदी के तेरे पास बैठकर अल्लाह रे बेखुदी के तेरे पास बैठकर तेरा ही इंतज़ार किया है कभी कभी। नाज़रीन, जब हम नरेश कुमार शाद की शायरी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनकी शायरी की नुमाया खसूसियत रोमानवियत है और रोमानवियत के साथ साथ इंसान दोस्ती भी है। उनके कलाम के अंदर शीरीनी बयानी एक ख़ास तरीके से निखर कर आती है और अपनी रवानी के साथ लोगों के दिलों में इस तरह उतरती है कि मानो वो उनकी ही बात उनके लफ्ज़ों में कर रहे हों। एक जगह नरेश कुमार शाद यूं कहते हैं, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसको नफ़रत है उसके आदमी से। तो इस तरीके के मदामीन जिसमें इंसान दोस्ती और मुरव्वत साफ साफ नज़र आती है, ये खासा था नरेश कुमार शाद की शायरी का। जिन साथियों ने नरेश कुमार शाद की शायरी को पढ़ा है वो इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस दौर में वो पैदा हुए उनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उनमें साहिर फैज़ सब आते थे और तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर थी। कुछ साथी नरेश कुमार शाद को भी तरक्की पसंद तहरीक का ही एक हिस्सा मानते हैं और इसके हवाले से मैं जब कुछ पढ़ रहा था, साहिर का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने जो नरेश कुमार शाद ने ही लिया था, जब साहिर से वो पूछते हैं कि आपको कौन से शायर पसंद हैं, सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इकबाल का नाम लेते हैं, समकालीन शायरों में वो फैज़ का नाम लेते हैं और फिर नस्ल नौ में जब पूछते हैं कि कोई ऐसा शायर जो साहिर लुधियानवी को बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो कहते हैं नरेश कुमार शाद। तो नरेश कुमार शाद जो कि इंटरव्यू कर रहे थे वो कहते हैं कि आप किसी की हक तलफी ना करें, आप ईमानदाराना राय अपनी दें। तो बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, आप इसकी तस्दीक जो दूसरे शोरा से भी कर सकते हैं जिनसे साहिर इसी तरह के तासुरात का इजहार कर चुके थे कि नरेश कुमार शाद जो नस्ल नौ में एक नुमाइंदा शायर है।
उनकी शायरी जिसमें नज़में शुरुआती दौर में उन्होंने कहीं, गज़लें कहीं, कतात के बारे में एक राय कायम की जा सकती है कि नरेश कुमार शाद ने जो कते कहे, जो कतात कहे, उनमें एक ड्रामाई अंदाज फ़िक्र तौसवी साहब ने तफसील में उनके कतात के बारे में लिखा है। नाज़रीन, नरेश कुमार शाद जब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, ये उजाला है उजाला तो अंधेरा क्या है, ये उजाला है उजाला तो अंधेरा क्या है। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को भी मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शबे रंग से
शाद मेरे ज़ौक की वसत के लिए, तंग है शाद मेरे ज़ौक की वसत के लिए, हलका नाज़रीन, नरेश कुमार शाद की शायरी का ज़िक्र हो और उनकी शराब का ज़िक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं। एक जगह अपनी शराब की वजह बताते हुए कहते हैं कि जामो मीना है कैफो मस्ती है, जामो मीना है कैफो मस्ती है, वाह क्या जश्न तंग दस्ती है। तो नाज़रीन, इस तरीके से उन्होंने अपनी शराब का ज़िक्र करते हुए भी उसे मकसद की तरफ ले जाकर दिखाया। निदा फाज़ली ने कई जगह इसका ज़िक्र किया कि उनका ज़िक्र जहां भी होगा वहां शराब का ज़िक्र भी होगा। नाज़रीन, नरेश कुमार शाद की मुख्तलिफ़ जहतें थीं, वो गज़लें भी कहते थे, नज़में भी कहते थे और नसर निगार भी थे, उन्होंने कई रिसालों की इदारत भी की। 1947 के दौर में आज़ादी ने जब दस्तक दी तो उस वक्त तक आपका एक शेरी मजमूआ दस्तक के नाम से आ चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद आप कानपुर चले गए और वहाँ पे अपने दोस्त हफीज़ होशियारपुरी के साथ आपने एक रिसाला चंदन वो शुरू किया। कुछ वक्त तक वहाँ काम करने के बाद आप दिल्ली आते हैं, राही रिसाले से जुड़ते हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि शायरी के साथ साथ सहाफ़त का सिलसिला भी चलता रहा, और उनके अदबी सफ़र को जब हम गौर से देखते हैं तो आप बतौर शायर और न सिर्फ आपने नज़में कहीं, गज़लें कहीं, कतात कहे, बल्कि आपने नसर में भी भरपूर काम किया। तो हर वक्त जैसा उनके शेरी मजमूए है या जो उनकी तसनीफ़ात है उन पे जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतनी किताबें लिख डाली। नाज़रीन, नरेश कुमार शाद जब हिजर बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, शामे वादा का ढल गया साया, शामे वादा का ढल गया साया, आने वाला अभी नहीं आया। आइए इस गज़ल को भी मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वाला भी नहीं आया।
नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने नरेश कुमार शाद की हयात व ख़िदमात पे बात की, उनकी शायरी पे गुफ्तगू की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। Six, zero, five.